राज्यसभा सांसद शिव प्रताप शुक्ला ने मंगलवार को जिला अस्पताल के कोविड वार्ड का औचक निरीक्षण किया तथा वैक्सीनेशन कराने आए नागरिकों से उनका कुशलक्षेम जाना, जिसके संबंध में राज्यसभा सांसद शिव प्रताप शुक्ला ने बताया कि सभी नागरिक टीके से संतुष्ट हैं। उन्होंने बताया कि नागरिकों को किसी भी तरह का टीका लगाने की समस्या नहीं हो रही है। उन्होंने कहा कि अपनी बारी के हिसाब से आकर के टीका लगवा रहे हैं। उन्होंने जनपद में कोविड मरीजों की संख्या बढ़ने पर कहा कि जनपद में कोविड वैक्सीन की कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि अभी तक जनपद में 1.5 लाख वैक्सीनेशन हो चुका है। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि घर पर ना बैठें, अपनी बारी के हिसाब से अस्पताल आकर टीका लगवाएं तथा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। इस अवसर पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुधाकर पांडे सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पूर्व केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री व राज्यसभा सांसद शिव प्रताप शुक्ला ने कहा, आपके बहुत फायदे हैं। कैसे हो? आ जाओ धरना। अभी मिलेगा भाई, आधा घंटा बैठिए, आइए आप आइए। तो नहीं जा रहा अरे उनको भी लाओ ना। हाँ अरे डॉक्टर अरविंद सिंह जी चलो हाथ करो, हिला करो, हेलमेट नीचे कर लो भैया। तुम कुछ खा लीजिए, यहाँ पर वेटिंग हॉल किया गया, लगने के बाद हम लोग आराम करेंगे। स्पेशल बात बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को।
जाओ और जाकर नहीं सीधे सीधे कहाँ गए तो उसका भेजो हमारे पास मेरे बताई हूँ कुछ भूल जाते द्वारा जिला अस्पताल का निरीक्षण किया गया, किया गया वह वैक्सीनेशन जहां लग रहा था उसको देखने के लिए आए थे, लोगों से मिले, लोगों से बात किए और बात करने के बाद ये लगा कि नहीं अच्छा लग रहा है, लोग उससे संतुष्ट भी हैं। हमारे डॉक्टर हमारे नर्सेस पूरी तौर पर लगे हुए हैं, प्रधानमंत्री जी के अपील को सभी लोगों ने सराहा भी है और आ करके उनके यहाँ जो वैक्सीनेशन करा रहे हैं। संख्या बढ़ रही है लोगों से, संख्या बढ़ रही तो अच्छी बात है, हम तो बार बार कह रहे हैं कि संख्या बढ़ा है, हमारे पास वैक्सीन की कमी है नहीं, आकर के अपना वैक्सीनेशन करा, संख्या तो बढ़नी ही चाहिए। यही पर 1.5 लाख से अधिक वैक्सीनेशन हो चुका है गोरखपुर में ही। आम जनमानस से यही कहना चाहेंगे कि अपने स्वास्थ्य की रक्षा के लिए प्रधानमंत्री जी की अपील के बाद अब आ करके घर में ना बैठे, आ करके डॉक्टर के पास जाएं, तुरंत वैक्सीनेशन कराएं और अपने को स्वस्थ करें।